नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज हम एक हाईटेक डिवाइस के विषय में बात करने वाले हैं जिसे लगाकर आप अपने कूलर को हाईटेक बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइबर बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं तो इसी प्रकार की वीडियो जो जिसमें जानकारी रहती है आपका फायदा रहता है वो उस टाइप की वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। तो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कूलर के विषय में। गर्मी का मौसम आ चुका है और अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और आपको कूलर की आवश्यकता होगी। एसी जिसके हैं तो आसानी से एसी चला के सो जाएगा, उसमें सब कुछ टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, पर कूलर में ऐसा नहीं होता। जब आप सोते हैं तो बहुत गर्मी रहती है तो आप पानी डालकर उसमें सो जाते हैं और टेम्परेचर पानी की उपस्थिति के कारण हवा जो आती है वो ठंडी आती है, जिस कारण अंदर का टेम्परेचर बढ़िया रहता है और आप बढ़िया नींद सो जाते हैं। पर सुबह के समय अक्सर ऐसा होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपका कूलर जो पहले से ठंडी हवा दे रहा है उस टाइम और ज़्यादा ठंडी देने लगता है, जिससे कि आपको ठंड लगती है, अक्सर इससे बीमार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए उपाय है कि आप अपने कूलर में एक रिमोट डिवाइस लगवा लें जिसके द्वारा आपका जो कूलर है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि गर्मी बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली पानी का जो मोटर है उसे स्टार्ट कर देगा और जिस कारण वो पानी की ठंडक हवा में आ जाएगी और हवा ठंडी हवा से आपको राहत मिलेगी। सुबह के समय वातावरण में टेम्परेचर डाउन चला जाएगा तो ये जो डिवाइस लगी है ये मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगी, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। कूलर चलाना आपकी मजबूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है, उससे राहत पाने के लिए या तो एसी लगवाएं। अब एसी का खर्च बहुत ज़्यादा है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कूलर हर कोई अफोर्ड कर लेता है। जब वातावरण में गर्मी ज़्यादा हो तो पानी का जो पंप है वो अपने आप चल जाएगा और वातावरण में जब ठंडक आएगी तो पानी का पंप अपने आप बंद हो जाएगा। और उसमें ये भी टाइमर सेट कर सकते हैं कि सुबह के समय आपका कूलर भी बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगवा लेने से आपको बहुत फायदा होगा और ये ज्यादा महंगा नहीं आता, अधिक से अधिक 1000 रुपए का, कम से कम 500 रुपए का। मार्केट में आप सर्च कर सकते हैं, बहुत मिलते हैं। आप 500 रुपए से 1000 के बीच का ये सिस्टम ले आए और अपने कूलर में सेट करें और मस्त सो जाए। दोस्तों ये सिस्टम किसी भी कूलर में लगा सकते हैं और इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम लगा के आपका कूलर भी हाईटेक हो जाएगा। एसी में भी ऑटोमेटिकली ये रहता है कि जब कमरे में गर्मी होगी तो एसी चालू हो जाएगा, कंप्रेसर चालू हो जाएगा और ठंडी हवा देगा होगा, उसके बाद कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो खाली ब्लोअर चलेगा। ऐसा ही इसमें है, जब कमरे का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का जो पंप है ऑन हो जाएगा और पानी की उपस्थिति के कारण आपके कमरे में ठंडी हवा आएगी। जब देखेंगे कि टेम्परेचर काफी डाउन चला गया है, भाई कुछ कारण रहते हैं जैसे बरसात का मौसम है या सुबह के समय के टाइम ठंडक होगी है, तो उस समय में आपका पानी का मोटर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पानी बार बार डालने के झंझट से भी आजादी मिलेगी और आपका कमरा भी एकदम एसी की तरह मस्त रहेगा। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, जाइए मार्केट में जाकर ये रिमोट कंट्रोल वाली डिवाइस लेकर आइए और अपने कूलर में लगाइए और कूलर को एसी में बदल दीजिए और एसी का मजा लीजिए। दोस्तों इस सिस्टम को लगाने से आपका कूलर एकदम हाईटेक हो जाएगा, मतलब रिमोट से ही ऑन होगा, रिमोट से ही ऑफ होगा, रिमोट से ही इसका फैन की स्पीड बढ़ेगी और रिमोट से ही इसका पानी चल जाएगा, पानी का मोटर ऑन हो जाएगा, या फिर ठंडी हवा के लिए आप निर्धारित कर सकते हो कि कितना पानी चले या पानी का मोटर बंद रहे या फिर कितने आरपीएम पर मोटर चले, ताकि जितने ज्यादा आरपीएम पर मोटर चलेगा उतनी ज्यादा कमरे में हवा आएगी। तो इस प्रकार आप फुल मजे हाईटेक होकर हाईटेक मजा ले सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, मार्केट में जाइए और ये डिवाइस लेके आइए और अपने सिस्टम में लगाइए और अपने कूलर को हाईटेक बनाइए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी, और भी एक लाइक तो बनता है दोस्तों और कमेंट भी बनता है, तो इंतजार किस बात का, एक कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक तो करना बनता है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।